टी20 वर्ल्ड कप 2022 की जो ग्लोबल क्वालिफायर्स है जहां जो ए है उसकी सारी शेड्यूल से लेकर सारी अपडेट्स हमने प्रोवाइड करा दी हैं। आप पुराना वाला वीडियो, इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया है, उस जाकर जरूर से जरूर देखिए। आप ग्लोबल क्वालिफायर प्लेलिस्ट को भी देखिए ताकि वहां पर आपकी काफी कुछ समझ में आ सकेगी ग्लोबल क्वालिफायर को किस किस तरह की टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है। जैसे कि अब सब पता चल चुका है कि अब पूरी तरह से राउंड रॉबिन फॉर्मेट ये नहीं होगा, अब उसमें भी ग्रुप ए और ग्रुप बी कर दिया गया है। ग्रुप ए में आयरलैंड, यूएई, जर्मनी और फिलीपींस को रखा गया है, वहीं पे ग्रुप बी में कनाडा, नेपाल, ओमान और बहरीन की टीमों को रखा गया है। तो अब सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पर चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। जी हाँ, चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होगी क्योंकि जितना छोटा ग्रुप्स है उतनी ज्यादा नेट रन रेट को लेकर दिक्कत होगी। छोटे छोटे मैच, खाली आपको जीत ही दर्ज नहीं करनी है सामने टीम के खिलाफ, एक अच्छे मार्जिन से भी जीत दर्ज करनी होगी ताकि आप सेमीफाइनल की रेस में बने रहें और वर्ल्ड कप खेलने की जो सपना है वो फिर भी उस रेस में बने रहें। सबसे पहले ग्रुप ए की बात कर लेते हैं। आयरलैंड, यूएई, जर्मनी और फिलीपींस है। सबसे पहले जानते हैं इन चार टीमों की इस वक्त ताजा T20I रैंकिंग क्या है, पहले वो जानते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं कि कौन किस पे कितना भारी है। बिल्कुल, और अभी आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की 13वीं रैंक है और साथ ही साथ यूएई की बात करें तो 17वें नंबर पे यूएई है। जर्मनी की बात करें तो 26वें नंबर पे जर्मनी है और जो फिलीपींस है वो काफी पीछे है। जी हाँ, 46 नंबर पे फिलीपींस आ जाता है जो काफी सबसे इस ग्रुप ए में सबसे पीछे वही है। बिल्कुल, तो ग्रुप का जहां तक आप डिफरेंस देख रहे हैं तो ये है हाल दोनों ही चारों टीमों की रैंकिंग्स का। अब यहाँ पर एक चीज और है, जैसे कि सबसे बड़ी बात है आयरलैंड वर्सेस यूएई, जाहिर सी बात है इनमें आपस में ही राउंड रॉबिन होना है, छोटा सा राउंड रॉबिन आप कह सकते हैं। आयरलैंड वर्सेस यूएई की अगर मैं बात करूं, ये मैच तो खैर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अब तक 8 बार दोनों टीमें भिड़ी है। जी हाँ, T20I में अब तक 8 बार दोनों टीमें भिड़ी है और 4-4 का रहा है, क्या यही है? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है आयरलैंड और यूएई का जब भी मुकाबला होता है। और अभी समर बैश में ही ये रिकॉर्ड अभी यूएई खासकर अभी ही बराबरी पे आई है, वरना आयरलैंड अच्छा खासा एज गया था। तो देख रहे हैं जिस तरीके से आयरलैंड कमजोर हो रही है और यूएई स्ट्रांग हो रही है, तो ये ज्यादा कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगा इनके बीच। बिल्कुल, क्योंकि अभी फिलहाल हमने भी देखा कि यूएसए ने भी आयरलैंड को T20 में हराया है और कहीं ना कहीं आयरलैंड का जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से थी, तो ये इसका एक फायदा यहां पर उठाया जा सकता है क्योंकि आयरलैंड उस टॉप नॉच फॉर्म में नहीं है जो वो अभी से 2-3 साल पहले लगभग हम कह सकते थे कि थी। यूएई वर्सेस आयरलैंड एक बेहतरीन मैच होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। इसका जो विनर होगा वो देखना होगा क्योंकि ये इसका विनर है, जो भी होगा वो ग्रुप ए का कहीं ना कहीं डिसाइडेबल भी हो सकता है कि ग्रुप ए में कौन सी टीमें पहुंचेगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं यूएई वर्सेस जर्मनी, यूएई वर्सेस फिलीपींस, क्या इस तरह का इंसिडेंट पहले हमें कहीं देखने को मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्योंकि यूएई इनसे तो जाहिर तौर पर है नहीं खेलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जर्मनी यूरोपियन टीम हो जाती है, फिलीपींस भी कहीं ना कहीं बाहरी टीम है, तो ये मुश्किल है कि यूएई ने कभी खेला नहीं है। इसका डिसएडवांटेज भी आपको उठाना पड़ सकता है, एडवांटेज भी आपको मिल सकता है। राइट तौर पर यूएई स्ट्रांग है कहीं ना कहीं जर्मनी फिलीपींस से, लेकिन जो हम बार बार यहाँ पे कह रहे हैं कि नेट रन रेट का कहीं इशू ना हो, कहीं बॉलो या कम बॉलों में या ज्यादा बॉलों में ना लग जाए जीतने में जर्मनी और फिलीपींस के खिलाफ, तो मुश्किल आएगी आयरलैंड और यूएई। अगर जर्मनी और फिलीपींस की मैं बात करूं तो ये मैच कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली यहां से एक चीज तो लग रही है क्लियर कि जर्मनी अपना मैच एक डेफिनेटली जीतेगा। जी हाँ, क्योंकि जर्मनी फिलीपींस को डेफिनेटली हरा सकता है। उसके बाद यहां पर बात यह आ जाती है कि बात आएगी आयरलैंड और यूएई के खिलाफ जर्मनी के मैच की। ये वो मैच होंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ग्रुप ए की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर जर्मनी ने इन दोनों में से किसी एक टीम को अपसेट दिया तो सिर्फ ग्रुप ए ही नहीं बल्कि दूसरी जो टेबल है ग्रुप बी की हम बात कर रहे हैं वो भी डेफिनेटली अफेक्ट होगी। वो कैसे वो आगे जरूर बताएंगे, लेकिन कितनी एक्सपेक्टेशन है कि जर्मनी इनके खिलाफ कुछ बेहतर कर सकती है, उनसे बिल्कुल भी स्टैंड आउट नहीं कर सकती। बिल्कुल, और जर्मनी की टीम बहुत स्ट्रांग है, आप जर्मनी को लाइटली नहीं ले सकते। इस तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आएगी जर्मनी, ये मजाक की बात नहीं है कि हम किसी भी टीम को लाइटली ले नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और खासकर जर्मनी की टीम जिस तरीके का उन्होंने क्रिकेट खेला है और जिस तरीके से थ्रू आउट द एयर वो पूरे साल परफॉर्म करते आए हैं उनके प्लेयर, ये बहुत अच्छी बात है। अब यूरोपियन क्रिकेट में भी वो खेलते हुए नजर आएंगे। ठीक,
ग्लोबल क्वालिफायर से पहले पहले, ये बहुत अच्छी बात है, प्लेयर बैकअप में भी रहेंगे बिल्कुल, तो उनसे कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है आयरलैंड और यूएई को, खासकर उनके चार पांच प्लेयर जो हम पहले बता चुके हैं वो तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। जी हाँ, और आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी लगातार, हम बात करेंगे जर्मनी के बैट्समैन वर्सेस रोमन बॉलर्स हो, आयरलैंड हो, नेपाल हो, सब तरह के वीडियोस आपके सामने लेकर आएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपके सामने लगातार लाते रहे। अब यहाँ पर ये बात हो गई ग्रुप ए में, ग्रुप ए में एंड फिर भी अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या शॉर्ट आउट आपको लग रहा है कि दो प्लेयर दो टीमें बिल्कुल हाँ यही जा रही है, या फिर कुछ खेल बिगड़ेगा अभी 19-20 हमारे मन में भी है? देखिए शॉर्ट आउट तो खैर है, ऐसा नहीं है, आयरलैंड यूएई इतने भी मैं नहीं कहूंगा कि इतने वीक हो गए हैं, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा सा एक टीज है, बिल्कुल इतना टीज है ही ऑब्वियसली, लेकिन जर्मनी से अभी थोड़ा देखने की उम्मीद होगी, मैं डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हाँ जर्मनी हारी जाएगी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, कोई आयरलैंड यूएई को थोड़ा अपने सावधान रहने की जरूरत है, जरूर क्लियर करेंगे आप, जरूर जाएंगे सेमीफाइनल में, पर थोड़ा अभी थोड़ा देख 95% देख के चलिए, 5% जर्मनी अभी कुछ खेल भी सकती है। चलिए बात करते हैं ग्रुप बी की, जी हाँ यहाँ पे सारा कॉम्पिटिशन है, यहीं पे सारी प्रॉब्लम भी आ जाती है, ओमान, नेपाल और कनाडा, जी हाँ यहाँ पर आप कह सकते हैं एक बेहतर ग्रुप है, उसका बैरिंग की बात करूँ चलिए शायद वो इतना कॉम्पिटेटिव ना क्योंकि उतने कॉम्पिटेटिव उन्होंने क्रिकेट खेली भी नहीं है, तो और ना ही वो क्रिकेट एक्शन में इतना ज्यादा है कि वो इस तरह का परफॉर्मेंस आप इतने बड़े इवेंट पे जाके उनसे एक्सपेक्ट करें। कनाडा, ओमान और नेपाल की मैं बात करूं, सबसे पहले इनकी रैंकिंग जान लेते हैं उसके बाद आगे बात करें। बिल्कुल नेपाल की कोई इसमें दोहराई नहीं है, एसोसिएट में सबसे हाईएस्ट रैंक है, 12वें नंबर पे है नेपाल, उसके बाद ओमान आ जाते हैं, 17वें नंबर पे ओमान है, फिर यहाँ पे आपके कनाडा जी हाँ 22वें नंबर पे कनाडा है, उसके बाद बहरीन 34th पे है यानी कि 34वें नंबर पे। बिल्कुल, तो ये है इनकी T20I रैंकिंग्स। अब यहाँ पे रैंकिंग की बात तो हो गई, लेकिन रैंकिंग से आप किसी टीम की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि कम से कम आजकल की रैंकिंग भी ऐसे ही कहती है, रैंकिंग इसकी कुछ और है, परफॉर्मेंस कहीं से कुछ और निकल कर आता है, कहीं ना कहीं पैरामीटर ठीक होते हैं लेकिन ज्यादातर गलत भी होते हैं। ओमान वर्सेज नेपाल की मैं बात करूं, कोई दोहराए नहीं है, इस ग्रुप का सबसे बेहतरीन मैच होने वाला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैच ओमान वर्सेज नेपाल नहीं है, नहीं ये मैं आपको क्लियर कर दूं, हमने पिछले वाले मैच पिछले वाले वीडियो में अपने बता रखा है, आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके एक बार जरूर देखिए, इस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट मैच कौन सा होगा वो आगे जरूर बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं ओमान वर्सेज नेपाल का हेड टू हेड में क्या हाल है। बिल्कुल, ओमान वर्सेज नेपाल एक ही बार भिड़े हैं, आमने सामने हुए हैं और 2012 में हुए थे, वो भी क्वालिफायर के टाइम पे, वहां पे ओमान ऑब्वियसली ओमान ने हरा दिया था, आसानी से हरा दिया था, 60-65 पे ऑल आउट हो गई थी, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 83 पे ऑल आउट हुई थी, जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, बहुत आसानी से ऑल आउट कर दिया, ओमान को कोई दिक्कत हुई नहीं, और अब जो क्रिकेट बदला है वो बहुत टाइम हो गया है, 10 साल बीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा वक्त गुजर गया है तब की ओमान, तब के नेपाल और आज की ओमान और आज के नेपाल की। बिल्कुल डेफिनेटली आज काफी दोनों ही प्लेयर की जो टीमें हैं उनका क्रिकेट जो है काफी बेहतर हुआ है, और आज की रैंकिंग में भी कहीं ना कहीं ओमान नेपाल से पीछे नजर आता है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं ओमान और ओमान वर्सेज नेपाल जो मैच होना है वो कितना कॉम्पिटिटिव देख रहे हैं आप आउट ऑफ 10? कॉम्पिटेटिव नहीं, कॉम्पिटेटिव तो होगा, कॉम्पिटेटिव तो होगा, क्योंकि जतिंदर सिंह पे ही ज्यादातर भरोसा दिखाया जाता है ओमान की तरफ से, ज्यादातर रन भी वो जतिंदर सिंह ही अटैकिंग मोड पे ज्यादा मार देते हैं, इसलिए टीम का स्कोर इतना हाईफाई नजर आता है, और ऑब्वियसली प्लेयर है ओमान के पास, लेकिन जिस तरीके से तो है पड़ला, दोनों का ही पड़ला आपस में भारी है, ये नहीं कह सकते कि ये वीक है या वो वीक है, नेपाल की भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, ओमान की भी बहुत सारी कमजोरियां हैं। जी हाँ, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात तो आगे जाके जरूर होगी, मैच प्रीव्यू होगा, सारी चीजें आपके सामने रखेंगे, ओमान बैट्समैन वर्सेज नेपाल बॉलर्स या कोई भी सारी जो कंपैरिजन है वो आगे जाके लगातार होती रहेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, लेकिन यहीं पर एक और टीम है यहाँ पे एंड वो है कनाडा, अमेरिका क्वालिफायर में सेकंड नंबर पे ये टीम रही थी, इस टीम से कितना ज्यादा खतरा है ओमान और नेपाल को, और मैं जो मैच की बात कर रहा था वो है कनाडा वर्सेस नेपाल, 21 तारीख को जो मैच होना है ग्रुप स्टेज का जो आखिरी दिन है उस दिन ये मैच होना है कनाडा वर्सेस नेपाल, और ये है इस ग्रुप का सबसे इम्पोर्टेंट मैच, और ये जिस दिन होगा आपको ग्रुप टेबल देख के पॉइंट टेबल देख के खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि गेल क्रिकेट ने बिल्कुल सही कहा था कि हाँ आज का ये मैच डू और डाई है, और रन रेट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। क्या लग रहा है आपको ओमान और नेपाल को कितना सतर्क रहने की जरूरत है, खास करके सामने कनाडा को देखते हुए, जो बिल्कुल भी जर्मनी अलग थी लेकिन ये तो बेहतरीन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले हुए हैं पास में भी। बिल्कुल, अमेरिका क्वालिफायर खेले हैं, यूएस ओपन T20 खेले हैं, और इसी टीम के कुछ प्लेयर माइनर लीग क्रिकेट में भी खेले हुए हैं, तो ये बात गौर करने की है कि कितने ज्यादा कॉम्पिटिशन में इनके प्लेयर रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है,
तो ये बहुत ज्यादा एक डेंजर कॉल होगा नेपाल के लिए भी, ओमान के लिए भी, सबके लिए, दोनों टीमों के लिए खासकर। और जैसा आपने कहा, हम कह रहे हैं कि कनाडा वर्सेस नेपाल का जो मैच है वो हाई वोल्टेज मैच होगा कहीं ना कहीं, तो उसमें ज्यादातर ये है कि आप ज्यादा जानते नहीं है सामने वाले प्लेयर को, तो बहुत ज्यादा आपको जो मुझे लगता है हेल्प मिलेगा अगर आप नेपाल की टीम मैनेजमेंट जो है जो भी वहां बैठेंगे वो ऑन रिकॉर्ड देखे अमेरिका क्वालिफायर का, उनके प्लेयर्स के यूएस ओपन T20 का, माइनर लीग क्रिकेट का, तो काफी बेनिफिट मिलेगा नेपाल को इससे। और कनाडा तो जाहिर तौर पर है नेपाल के पास परफॉर्मेंस तो चेक करके ही आएगा ऐसा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कोचेस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है। सही कहा, और नेपाल की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा वो इनके साथ कम्पिटेटिव क्रिकेट खेले नहीं है, तो उनको सीधा जाना चाहिए अमेरिका क्वालिफायर्स में। इस तरह के क्वालिफायर्स में जो अपनी टीम होती है वो अपनी फुल फ्लेज टीम उतारती है, फुल स्ट्रेंथ वाली टीम लेके जाती है, क्योंकि क्वालिफायर्स है वो यूएस ओपन T20 चलिए एक नॉर्मल सी T20 टूर्नामेंट है, लेकिन अमेरिका क्वालिफायर्स जो है वो ICC इवेंट का क्वालिफायर्स है, तो वहां पर अगर ने अपनी फुल फ्लेज टीम उतारी होगी, जो टॉप की जो शुरू के तीन मैचेस होंगे अमेरिका क्वालिफायर्स के कनाडा के, उन तीन मैचेस के जो प्लेयर्स हैं, जो स्क्वाड है उनके खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो अगर डाटा शीट निकालकर ओमान और नेपाल यहाँ पे तैयारी करवाएं कोचेस और प्लेयर जो मैनेजमेंट मिलके, तो डेफिनेटली हेल्प मिल सकती है। और इसी तरह से रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं और सामने प्रिपरेशन की जाती है जब आप इस तरह की इवेंट्स, ऐसे नहीं कि आपने थोड़ी देर नेट पे पसीना बहा लिया और दो चार एकदम मैचेस खेले और आपको लग रहा है हम सीधा मैच में उतरेंगे और सामने टीम को हरा देंगे। हर तरह की प्रॉपर प्लानिंग और प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपको प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि ये जो प्लेयर है इनकी ये किसकी कमजोरी क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये किस जोन में ज्यादा बैटल मारता है, ऑफ स्टंप या लेग स्टंप, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी अगर आप पास्ट रिकॉर्ड उठाएंगे और उन मैचेस को कहीं से भी देखने की कोशिश करेंगे। मैं ओमान नेपाल की बात कर रहा हूं। कनाडा की तरफ से अगर मैं कहूं कितने मैच जीतने की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके मैच तीन होने, देखिए बिल्कुल कनाडा तो यही चाहेगा कि हम दो मैचेस तो जीते, तो यहाँ ज्यादातर डाउट नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, कनाडा तो थोड़ा सा डाउट जरूर है कि चलिए बेनिन को तो हरा ही देंगे, दिक्कत नहीं आएगी, उम्मीद करते हैं कि दिक्कत बढ़े, कॉम्पिटिशन बढ़े, पर ऐसा होगा नहीं। बेनिन ने अगर कनाडा को हरा दिया तो फिर बहुत ही बड़ा उलटफेर समझिए ग्रुप बी में। जी हाँ, वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कनाडा से उम्मीद थोड़ी कम है, नेपाल ओमान के स्टैंडर्ड को देखते हुए कहीं ना कहीं उम्मीद कम है। बाकी क्रिकेट है, कुछ हो जाए तो भरोसा नहीं है, प्लेयर है कनाडा के पास, हमने बताए भी हैं कौन कौन से प्लेयर हैं उनके पास, तो देखना होगा, लेकिन अब आगे देखते हैं, क्रिकेट हमें शौक करता आया है, करता रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये जो पूरा का पूरा ग्रुप स्टेज है काम करता है, तो हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश जरूर की है। जी हाँ, एक चीज आप मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से कहा कि ग्लोबल क्वालिफायर का इवेंट है, वहां पे बैक स्टेज काम होना ज्यादा, तो वो ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है, एज अ प्रैक्टिस से ज्यादा वो जरूरी है। प्रैक्टिस बिल्कुल जरूरी है, प्लेयर अपना प्रैक्टिस करें, इस चीज में ना घुसे कि पेपर्स में क्या चल रहा है, वो कोच का काम, कोच और मैनेजमेंट, बिल्कुल कोच और मैनेजमेंट का काम है कि वो प्लान्स को प्रिंट आउट निकाल के सामने वाले अपने कप्तान को, अपने बॉलर्स को समझाएं। तो बहुत बड़ा इवेंट है ये, कोई मजाक नहीं है, आपको T20 वर्ल्ड कप का गेटवे है ये, एग्जैक्टली जो आपने कहा, इस तरीके से प्रिपरेशन होगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, प्लान्स के साथ अगर आउट किए जाएंगे प्लेयर तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे टीम्स हैं जो आपस में भिड़ी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रिपरेशन बहुत शानदार काम आने वाली है। ओमान नेपाल खास करके आपको कनाडा के अमेरिका क्वालिफायर्स की परफॉर्मेंस को लेकर आना होगा, और कनाडा की अगर मैं बात करूं तो आपको नेपाल की ट्राई नेशन सीरीज और ओमान का T20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको सामने लेकर आने होंगे, ताकि आप उनके बारे में जान सके कौन कितना कमजोर है। वैसे तो ओमान का बता देते हैं, अगर आप जतेंद्र सिंह को आउट कर लेते हैं तो आप 80% मैच भी बने हुए हैं, अगर आप बॉलिंग करा रहे हैं तब तक की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जो ओमान एक मैच जीता था उसमें भी जितेंद्र सिंह नॉट आउट गए, उन्हीं के दमखम पे टीम चलती है। वहीं पर अगर मैं दूसरे ग्रुप में बात करूं, ग्रुप ए में अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली आयरलैंड, यूएई और जर्मनी की अगर मैं बात करूं, तो आयरलैंड यूएई को थोड़ा बहुत जर्मनी के बारे में भी जानकारी हो जानी चाहिए, और जर्मनी को आयरलैंड यूएई के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जी हां, तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी हमारे जो चार सेमीफाइनलिस्ट होंगे, जी हां, जो हमें जो लगता है जो सेमीफाइनल में डेफिनेटली पहुंचेंगे 101%, वो हम आके आपको जरूर बताएंगे, अगर आप चाहते हैं तो हम जरूर उसमें वीडियो लाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्यों वो चार हमारे सेमीफाइनलिस्ट होंगे, हमारे फेवरेट होंगे। सर फिल्म में इतना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से सब्सक्राइब करिए, ग्लोबल क्वालिफायर प्लेलिस्ट को चेक करना मत भूलिए, वहां पर लगातार वीडियोस अपडेट्स आप ग्लोबल क्वालिफायर रिलेटेड आती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, प्लीज एफर्ट।